बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में आज प्रॉब्लम 1A हम करेंगे, जो कि चैप्टर एंड पे सेट ए में गिवन है। ये एक कम्प्लीट और कम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। इसमें हम वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे, इसमें हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम क्लासिफाइड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और इसमें हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे। तो ये एक अकाउंटिंग साइकिल जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम को देखते हैं हम। उमर आसिक बिगेन ऑपरेशंस एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर January 1, 2012। द ट्रायल बैलेंस कॉलम्स ऑफ द वर्कशीट फॉर उमर आसिक पीआई एट March 31 एज फॉलोस। ये जो कंपनी है ये क्वार्टरली अपनी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसने हमें March 31 के एंड पे हमें एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर आप देखें तो यहाँ पे अकाउंट टाइटल्स गिवन है और ट्रायल बैलेंस गिवन है। ये जो ट्रायल बैलेंस है ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है और इसके जो राइट पे एडजस्टमेंट्स और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट गिवन है, इसको मैंने जो है वो सॉल्व किया है। ये जो हमारे पास डाटा गिवन है इसमें हमें उसने कैश दिया है, अकाउंट रिसीवेबल्स, सप्लाईज, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस और इक्विपमेंट, उसके बाद नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ऑनर्स कैपिटल, फिर ऑनर्स टाइम, फिर सर्विस रेवेन्यू जैसे क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, मिसेलिनियस एक्सपेंस, उसके नीचे है टोटल। तो टोटल जो है वो दोनों साइड्स आपको पता है इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड जो है वो इक्वल है। ये डाटा हमें पास जो था वो गिवन था। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने हमें ये कहा है कि यहाँ पर अदर डाटा आ गया। अदर डाटा में हमें उन्होंने सप्लाईज ऑन हैंड टोटल बताया कि 480 है, डेप्रिसिएशन फॉर क्वार्टर जो है वो $800 है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्स मंथ नोट पेबल इशू January 1 $300 है, इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट द रेट ऑफ $200 पर मंथ गिवन है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बट अनबिल्ड एट March 31 टोटल $1,030 गिवन है। इंस्ट्रक्शन में ये है कि एंटर द ट्रायल बैलेंस ऑन ए वर्कशीट एंड कम्प्लीट द वर्कशीट। कि जो हमें जो ट्रायल बैलेंस अनरिस्टेड गिवन था उसको हमने वर्कशीट में जो है वो लिस्ट कर दिया और उसके बाद हमने जो वर्कशीट को कंप्लीट करना है। और वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए आपने एडजस्टमेंट्स का कॉलम बनाना है, फिर आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉलम बनाना है, फिर आपने इनकम स्टेटमेंट का कॉलम बनाना है, फिर आपने बैलेंस शीट का कॉलम बनाना है डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म। अब हमें जो उन्होंने एडजस्टमेंट्स का डाटा दिया है, अब इस डाटा को यूज़ करके हम एडजस्टमेंट्स में ये डाटा एंटर करते जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा सप्लाईज ऑन हैंड टोटल $480। इसका मतलब ये है कि फिजिकली हमारे पास जो सप्लाईज एक्जिस्ट कर रही हैं वो फिर $480 है, लेकिन जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसमें सप्लाईज का जो बैलेंस गिवन है वो 1050 है। इसका मतलब है कि अगर हम 1050 में से 480 लेस कर दें तो जो सप्लाईज हमने कंज्यूम कर ली थी, जो एक्सपेंस बन चुकी हैं, उसकी अमाउंट निकल आएगी। जब हमने 1050 में से 480 लेस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 570। तो ये सप्लाईज एक्सपेंस बन चुकी है। जब सप्लाईज एक्सपेंस हो गई तो सप्लाईज एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, सप्लाईज एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट, और टोटल्स के नीचे हमने सप्लाईज एक्सपेंस लिख दिया क्योंकि इसका जो अकाउंट था वो ऊपर अवेलेबल नहीं था। तो हमने लिखा सप्लाईज एक्सपेंस फर्स्ट एंट्री और हम लिख दिया 570, और इसी अमाउंट से हमने सप्लाईज को क्रेडिट कर दिया क्योंकि सप्लाईज को हम क्रेडिट करेंगे 1050 में से ये लेस हो जाएगा और इसकी जो हमारे पास इस वक्त मौजूद होना चाहिए बैलेंस वो निकल आएगा, जैसे कि 480 आपको नज़र आ रहा है जो कि एडजस्टेड यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हमने जो है वो सेकंड एंट्री को देखा कि सेकंड जो हमें गिवन है वो है डेप्रिसिएशन इज $800 पर क्वार्टर। क्योंकि हम क्वार्टरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें उन्होंने बताया कि क्वार्टर का जो क्वार्टर है उसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो $800 है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जो एंट्री हम पास करते हैं अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके नीचे लिखा है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के सामने हम लिख दिया डेबिट साइड पर 800 और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सामने क्रेडिट साइड पर लिख दिया 800, और ये हमारा सेकेंड जो है वो हमने जो डाटा अवेलेबल था हमने उसको यहाँ पर एंटर कर दिया। थर्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्स मंथ नोट पेबल, यानी एक नोट हमने इशू किया था जिसकी मेच्योरिटी 6 मंथ थी और अभी वो इसकी पेमेंट ड्यू नहीं है, वो होगी 6 मंथ्स के बाद।
और ये इशू हुआ था जनवरी 1st को, जनवरी से लेके मार्च 31st तक 3 मंथ्स बनते हैं, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है वो $300 है। ये इंटरेस्ट अभी हमने पे नहीं किया है, बल्कि हम उसको एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी पे करेंगे, जो कि 3 महीने के बाद आएगी। लेकिन ये इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको एज एन एक्सपेंस यहाँ पे रिकगनाइज करेंगे। और उसकी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट पेएबल को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट साइड पे, अगर आप थर्ड देखो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो ये डेबिट साइड पे हमने 3 और आगे 300 लिख दिया है, कि 3 का मतलब है थर्ड एंट्री, और इंटरेस्ट पेएबल के सामने हमने क्रेडिट साइड पे 300 लिख दिया। फोर्थ में वो कहता है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट द रेट ऑफ $200 पर मंथ, यानी हर महीने जो है वो $200 की इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही है। इसका मतलब है कि ये हर महीने $200 एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि हम क्वार्टरली बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको 3 मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मंथ की जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो यहाँ से हम डिटरमिन कर लेंगे, तो 3 × 200 आ जाएगा 600। तो इसमें हमने लिख दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और दूसरा काम यहाँ पे 600 से डेबिट, और प्री पेड इंश्योरेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। तो प्री पेड इंश्योरेंस को हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब फिफ्थ जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कहता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बट अनबिल्ड एट मार्च 31st टोटल $1,030, यानी कि हमने जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं और हमने अर्न कर लिया रेवेन्यू, लेकिन अभी तक हमने उनको बिल नहीं भेजा था, उसके अगेंस्ट हमने कैश रिसीव नहीं किया था। तो ये हमारा इस अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम अकाउंट रिसीवेबल्स को डेबिट कर देंगे और सर्विस रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे इस अमाउंट से। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल्स को 1030 का डेबिट कर दिया और सर्विस रेवेन्यू जो है उसके सामने क्रेडिट साइड पे हमने 1030 लिख दिया एडजस्टमेंट के कॉलम में। ये जो 5 इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने 5 इंफॉर्मेशन को एडजस्टमेंट्स के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अब बनाएंगे। तो एडजस्ट ट्रायल बैलेंस कैसे होगा, जो ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ये एडजस्टमेंट्स उसमें प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले कैश लिखा है, तो कैश के सामने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, इसलिए हमने इसको एज इट इज ही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल्स में एडजस्टमेंट्स है तो हमने उसको, क्योंकि ये भी डेबिट है और अकाउंट रिसीवेबल्स भी डेबिट है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगी $6,650। सप्लाईज में, क्योंकि ये सप्लाईज डेबिट हैं और एडजस्टमेंट में क्रेडिट हैं, इसको लेस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 480। प्रीपेड इंश्योरेंस में ये डेबिट पे है और एडजस्टमेंट्स में 600 क्रेडिट में, तो 2400 लेस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1800। इक्विपमेंट जो है वो 30,000, उसके सामने कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज हमने उसको लिख दिया। नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ऑनर्स कैपिटल, इनके सामने भी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो हमने उसको एज इट इज जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दिया। ऑनर्स ड्राइंग में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको हमने उसके डेबिट साइड पर लिख दिया। सर्विस रेवेन्यू में जो है अब हमने क्रेडिट साइड पे और हमारे पास एडजस्टमेंट भी क्रेडिट साइड पे 1030 है, तो दोनों जो है वो क्रेडिट ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे 14,650 की अमाउंट शो हो रही है। इसके बाद हमने सैलरी एंड वेज एक्सपेंस है, ट्रैवल एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस और मिसेलियस एक्सपेंस, इनके सामने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के नीचे इसको एज इट इज डेबिट साइड पे लिख दिया। टोटल के बाद हमारे पास जो हमने एडजस्टमेंट्स पास की और जो हमारे पास जो अकाउंट्स गिवन है, वो हमने जो एक्सपेंसेस सप्लाईज एक्सपेंस है, तो हमने उसके सामने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, उसको हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। इसी तरह इंटरेस्ट पेएबल एज इट इज हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब हमने जब डेबिट्स और क्रेडिट दोनों को ऐड किया तो डेबिट्स आ गए 58,100 और क्रेडिट आ गया 58,100। तो डेबिट और क्रेडिट जो है दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वो हमारा बैलेंस में है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है वो इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उसमें अब हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है कि जो रेवेन्यू के जितने भी अकाउंट्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे और एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे। जो रेवेन्यूज हैं वो क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे और जो एक्सपेंसेज हैं वो सारे डेबिट साइड पर आ जाएंगे। तो हमने सर्विस रेवेन्यू के सामने जो है वो
राइट साइड पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर 15,650 लिखती है। इसके बाद सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, मिसेलेनियस एक्सपेंस, ये जो भी डाटा यहाँ पे हम लिखेंगे ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लेंगे। अब हमने एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर कर लिया है। टोटल के नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखा है सप्लाईज एक्सपेंस, इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसके बाद एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो बैलेंस शीट का पार्ट होती है और जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होती है। इसके बाद हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख दिया और उसके बाद हमने इंटरेस्ट पेबल था, ये भी जो है वो बैलेंस शीट का पार्ट है लाइबिलिटी। फिर हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख दिया, फिर हमने उनको ऐड कर दिया सारे एक्सपेंसेस को, तो ये आ गया 7,170 और ये रेवेन्यू जो है वो 14,650 हमने नीचे लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है और जो डेबिट साइड है वो छोटी है, यानी जो रेवेन्यूज है वो ज़्यादा है और एक्सपेंसिस कम है। जब हमने इसका नेट लिया तो वो हमारे पास नेट इनकम आ गया क्योंकि रेवेन्यू अगर ज़्यादा हो एक्सपेंसिस कम हो तो हमने प्रॉफिट अर्न किया, तो हमने लिख दिया नेट इनकम। और सबसे नीचे हमने टोटल लिख दिया और 14,650 जो सबसे बड़ा होता है उस अमाउंट को नीचे लिख देते हैं, तो 14,650 हमने यहाँ पे लिख दिया, 14,650 हमने डेबिट साइड पे भी लिख दिया। और ये जब हमने इसका डिफरेंस लिया तो ये 7,480 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 14,650 आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो बैलेंस शीट में हमने जितने भी एसेट्स हैं वो सब हम लिखने होते हैं और जितनी लाइबिलिटीज हैं वो उसके बैलेंस शीट में आ जाएंगी और ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट में आ जाएगी, ऑनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगा और जो नेट इनकम या लॉस होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अब हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से जितने भी एसेट्स थे उनको हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, इसके बाद नोट्स पेबल अकाउंट्स पेबल हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, एसेट ऑनर्स कैपिटल भी यहाँ पे लिख दिया हमने, इसके बाद ऑनर्स ड्राइंग हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद नीचे आए तो हमारे पास एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, इंटरेस्ट पेबल को हमने 300 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। जब उनको ऐड किया तो ये आ गया 43,450 और डेबिट साइड 15,930, यानी डेबिट साइड बड़ी और क्रेडिट साइड छोटी, टोटल एसेट्स ज़्यादा हैं और हमारी जो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल यहाँ पे कम है। अब हमने इसमें नेट इनकम जो थी जो कि हमारा प्रॉफिट है इसको अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल को इंक्रीज़ करता है और कैपिटल तब इंक्रीज होगा जब उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट है हमने उसको क्रेडिट साइड पे यहाँ पे ऐड कर दिया, हम इसे ऐड कर दिया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 50,930, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड जो है वो अब इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होंगी तो उसका मतलब है कि हमने कहीं पर कोई मिस्टेक की। यहाँ पे अब हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो ये वर्कशीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है अगर हम एडजस्टमेंट सही तरीके से पास कर देते हैं और उसके बाद सिर्फ ऐड करना है, डेबिट डेबिट ऐड होते हैं, डेबिट क्रेडिट लेस होते हैं और क्रेडिट क्रेडिट जो है वो ऐड होते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाए तो उसके बाद फिर वहाँ से जो इनकम स्टेटमेंट के जो भी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे फिर इनकम स्टेटमेंट आ जाते हैं, उसके बाद फिर बैलेंस शीट के जो अकाउंट्स हैं वो बैलेंस शीट में आप जो है उसको वो लिख देंगे। इस तरीके से हमारी जो है वो ये 10 कॉलम वर्कशीट कम्प्लीट हो जाएगी। बी पार्ट में वो कहता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट एट March 31st। ओसेक डिड नॉट मेक एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड March 31st 2012। तो उन्होंने हमसे कहा कि जी आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएं, ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाएं और क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाएं, तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास अब वर्कशीट मौजूद है, हमने इसी वर्कशीट को यूज़ करते हुए फॉर्मल वे में अब इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने लिखनी है वो कंपनी का नाम, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होती, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो आप लिखते हैं फॉर द क्वार्टर एंडेड March 31st 2012, अगर ये ईयर होता तो फिर आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2012। सबसे पहले वहाँ से हमने रेवेन्यूज लिखे, सर्विस रेवेन्यू, उसके बाद एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस थे यहाँ पे हमने वर्कशीट से निकाल देख के यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन कर दिए। तो वर्कशीट में अगर आप इनकम स्टेटमेंट में आएँ
तो यहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस आपको गिवन है, सिर्फ आपने उसको अब प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, और यहाँ पे आपने उसको लिस्ट डाउन कर दिया। इसके बाद जब हमने उसमें से लेस कर दी, टोटल टोटल कुछ ऐड किया तो टोटल एक्सपेंसेस आ गए, और रेवन्यू में से जब टोटल एक्सपेंसेस लेस किए तो हमारे पास नेट इनकम आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाएंगे। ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट जो है ये भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, और सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखा, फिर ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, और फिर फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2012। ऑनर्स कैपिटल जनरली फर्स्ट को जीरो था, उसने इन्वेस्टमेंट की फिर ऑनर ने, और वो आ गया $20,000 जो कि आपके पास ऑनर्स कैपिटल के बैलेंस में गिवन है। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं नेट इनकम को। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, यानी नेट इनकम हुई तो ऐड कर देंगे, अगर लॉस होगा तो फिर हम उसे उसमें से लेस कर देंगे। तो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया है। तो जनवरी फर्स्ट जो ओपनिंग बैलेंस जीरो, उसके बाद ऐड की इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर $20,000 की, फिर नेट इनकम को हमने उसके अंदर ऐड कर दिया, तो सब टोटल आ गया 27,480, और लेस कर देते हैं हम उसमें से ड्राइंग्स को, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस यानी ऑनर्स कैपिटल का मार्च 31 का बैलेंस आ गया $26,880। तो आपने याद रखना है इसका फॉर्मेट, सबसे पहले ओपनिंग है, उसके बाद ऐड करना है इन्वेस्टमेंट को अगर करता है, उसके बाद जो है वो नेट इनकम को ऐड कर देना है, तो हमारे पास सब टोटल आ जाएगा। अगर नेट इनकम नहीं है, लॉस है, तो लॉस को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमने ड्राइंग्स को लेस कर देना है, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस यानी मार्च 31 का जैसे यहाँ पे बैलेंस आ गया ऑनर्स कैपिटल का $26,880। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्लासिफाइड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में भी सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर बैलेंस शीट, फिर एज ऑन मार्च 31, 2012, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती, तो हमने इसे लिख दिया एज ऑन मार्च 31, 2012। एसेट्स को हमने क्लासिफाई किया करंट में और लॉन्ग में, तो सबसे पहले हमने लिखा करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में आपके आ जाते हैं कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये सब हमने जो डाटा है ये हमने वर्कशीट से लिया। तो जितने करंट एसेट्स हैं हमने उसको करंट एसेट नीचे लिख दिया, और टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आ गए $20,330। इसके बाद हमने लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें हमारे पास सिर्फ एक इक्विपमेंट था, हमने इक्विपमेंट लिख दिया $30,000, और हमने उसमें से लेस कर दी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि हमने एडजस्टिंग पास की थी, तो उसमें से वो लेस करने के बाद हमारे पास उसकी अमाउंट आ गई 29,200। तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ गए $49,530। उसके बाद जो है वो एसेट्स के बाद हम नीचे लिखते हैं लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। सबसे पहले हम लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज को, तो हमने लिखा करंट लाइबिलिटीज, उसके नीचे पर नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल और इंटरेस्ट पेबल, इन सब को हमने ऐड किया और टोटल करंट लाइबिलिटीज आ गई। तो ये सारा डाटा हम यहाँ से ले रहे हैं, ये सारा डाटा हम वर्कशीट से ले रहे हैं। उसके बाद हम लिखा ऑनर्स इक्विटी, उसमें हम लिखा ऑनर्स कैपिटल और वो अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद हम लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी को ऐड करेंगे, और जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी, और ये इक्वल आनी चाहिए टोटल एसेट्स के। तो जब हम इसको ऐड किया तो ये 49,530 आ गया। ऑनर्स इक्विटी में ऑनर्स कैपिटल कहाँ से आया, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाई। तो ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट जब हमने बनाई तो यहाँ से हमारे पास उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था ऑनर्स कैपिटल मार्च 31, ये आके 26,880। इसी अमाउंट को हमने यहाँ पे फिर बैलेंस शीट में ऑनर्स इक्विटी सेक्शन के अंदर ऑनर्स कैपिटल के सामने लिख दिया। जब इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 49,530। ये और टोटल एसेट्स इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल हो गए इसका मतलब है कि हमने मिस्टेक नहीं की और बैलेंस शीट बैलेंस में है। सी पार्ट में वो कह रहे हैं जनरलाइज द एडजस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द एडजस्टमेंट कॉलम्स ऑफ द वर्कशीट। ये जो हमने एडजस्टिंग जो एडजस्टमेंट कॉलम है वो कह रहे हैं इसको देखें और इसमें से आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें, जैसे ये हमने पास की, यहाँ पे हमने जो था डाटा था एडजस्टिंग एंट्रीज का उसको हमने यहाँ पे जो था वो प्लेस किया था। तो क्या होगा, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जी सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट कर दिया, 570 से डेबिट, 570 से क्रेडिट कर दिया। फिर हमने किया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इक्विपमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया। सेकेंड एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट। थर्ड में इंश्योरेंस एक्सपेंस था, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने किया डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने किया क्रेडिट।
तो एडजस्टमेंट से कॉलम को आप देख के यहाँ पे इंक्रीज जो है वो पास कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट किया और प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद जो फोर्थ है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया और इंटरेस्ट पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया 300 के अमाउंट से। और जो फिफ्थ है वो है अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया और सर्विस रेवेन्यू को हमने $1,030 के साथ क्रेडिट कर दिया। इसके बाद एनालाइज द क्लोजिंग इंक्रीज फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉलम्स ऑफ द वर्कशीट। अब हमने क्लोजिंग इंट्रीज पास करनी है। मैंने आपको बताया था कि चार क्लोजिंग इंट्रीज हैं, चार यानी चार जो है वो आपने अकाउंट्स क्लोज करने, एक रेवेन्यू को अकाउंट क्लोज करने, दूसरे एक्सपेंसेस जितने उनके अकाउंट क्लोज करने, फिर तीसरा उस पर जो नेट है प्रॉफिट या लॉस उसको फिर आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर क्लोज करना है, और लास्ट में आपने ड्राइंग्स के अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये चार क्लोजिंग एंट्रीज हमने पढ़ी थी। तो वर्कशीट में देखें तो सबसे पहले सर्विस रेवेन्यू जो रेवेन्यू है, और इस सर्विस रेवेन्यू आपको पता है कि हम एक टेम्प्रेरी अकाउंट ओपन करते हैं इनकम समरी के नाम से। तो सबसे पहले हम जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उनको इनकम समरी के अंदर क्लोज करते हैं, और फिर इनकम समरी में जो नेट अमाउंट है उसको फिर जाके कैपिटल में क्लोज कर देते हैं, और इनकम समरी का अकाउंट क्लोज हो जाता है। और उसके बाद फिर हम ड्राइंग्स के अकाउंट क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हमने सर्विस रेवेन्यू के अकाउंट क्लोज किया जो रेवेन्यू का था। वर्कशीट में हमें हमारे पास गिवन है, आपने देखा है वहाँ पे लिखा है अमाउंट 14,650 क्रेडिट साइड पे। तो हमने सर्विस रेवेन्यू को जो क्रेडिट है उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। लेक्चर को याद करें दोबारा से, जो हमने जो मैंने कहा था जो क्रेडिट होगा उसको आपने डेबिट कर देना, और जो डेबिट है उसको आपने क्रेडिट कर देना। तो यहाँ पे रेवेन्यूज आपके क्रेडिट होते हैं, आपने उसको क्लोज करना है, उसका अकाउंट का बैलेंस नील करना है, तो उसको आप सेम अमाउंट के साथ डेबिट कर देंगे। तो हमने सर्विस रेवेन्यू को डेबिट कर दिया और इनकम समरी के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इस तरह सर्विस रेवेन्यू अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। फिर हमने जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे हमने जो डेबिट होते हैं उनको हमने क्रेडिट कर दिया। जैसे ट्रैवल एक्सपेंस में गिवन है, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस गिवन है, रेंट एक्सपेंस गिवन है, इंश्योरेंस एक्सपेंस गिवन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है, सप्लाईज एक्सपेंस गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, और मिसेलेनियस एक्सपेंसेस गिवन है। इन सब को हमने क्रेडिट कर दिया, उन सबको ऐड करके हमने इनकम समरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इनकम समरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया टोटल से जो भी एक्सपेंसेस बनते हैं उनके अमाउंट, और उसके बाद हमने तमाम इंडिविजुअल अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया। इस तरह ये सारे के सारे अकाउंट एक्सपेंस के हैं ये सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। अब इसका जो डिफरेंस है यानी रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो आता है 7,480 का, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा थे इनका और एक्सपेंसेस कम थे। तो अब हमने जो $7,480 है इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करेंगे, हम इनकम समरी अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि वो क्रेडिट है। इनकम समरी अकाउंट को किया डेबिट, ऑनर्स कैपिटल को हमने कर दिया क्रेडिट, और प्रॉफिट जो है वो तब भी कैपिटल को इंक्रीज करेगा जब आप कैपिटल को उस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। तो हमने इनकम समरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया और ऑनर्स कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगर आप देखो तो इनकम समरी का जो पहली एंट्री है उसमें क्रेडिट साइड पर लिखा है 14,650। अगर लेजर बनाएंगे आप तो इनकम समरी के क्रेडिट साइड पर लिखा है 14,650 और उसकी डेबिट साइड पर लिखा है 7,170। तो इनकम समरी को हम डेबिट करेंगे इसके डिफरेंस से, तो तब जाके इनकम समरी का अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, यानी उसका बैलेंस नील हो जाएगा। तो इनकम समरी को इसलिए भी हमने डेबिट किया और ऑनर्स कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये थर्ड क्लोजिंग एंट्री थी। लास्ट में अब हम ड्राइंग्स को क्लोज कर देंगे। तो ड्राइंग्स के अमाउंट हमारे पास 600 गिवन थी, तो हमने क्या किया कि ड्राइंग्स के अकाउंट जो है वो उसका जो बैलेंस है वो डेबिट होता है। तो हमने ऑनर्स कैपिटल को डेबिट किया और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया। जब ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट क्रेडिट इक्वल 600, तो उसका बैलेंस नील हो जाएगा, तो ड्राइंग्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी कैपिटल में। तो सबसे जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो एट द एंड जाके फिर बैलेंस शीट में क्लोज हो जाते हैं, और बैलेंस शीट की इक्विटी है उसके अंदर जाके वो क्लोज हो जाते हैं, यानी कैपिटल के अंदर जाके वो क्लोज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले हमने एक टेम्प्रेरी अकाउंट ओपन किया, उसका नाम है इनकम समरी, उसमें रेवेन्यूज को क्लोज किया, रेवेन्यूज क्रेडिट होते हैं तो हमने उसको डेबिट कर दिया, एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो डेबिट होते हैं उनको हमने क्रेडिट कर दिया और इनकम समरी को डेबिट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो डिफरेंस आता है, अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम समरी को डेबिट कर देंगे और ऑनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर ये बिलफर्ज लॉस आ जाता है तो ऑनर्स कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं और इनकम समरी को हम क्रेडिट कर देते हैं। और लास्ट में ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्योंकि डेबिट होती हैं, ड्राइंग्स को हमने क्रेडिट कर दिया और ऑनर्स कैपिटल को हमने जो है वो डेबिट कर दिया।
ये जो आपका अकाउंटिंग साइकिल है यहाँ पे आके वो कंप्लीट हो गया। तो हमने सबसे पहले वर्कशीट प्रिपेयर की और एडजस्टमेंट जो डाटा हमारे पास अवेलेबल था उसको देखते हुए, उसके बाद फिर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, फिर इक्विटी स्टेटमेंट बनाई, फिर हमने क्लासिफाइड जो बैलेंस शीट थी वो प्रिपेयर की। उसके बाद उन्होंने हमने एडजस्टमेंट से देख के एडजस्टिंग एंट्रीज पास की और उसके बाद हमने तमाम अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। तो इसको जरा गौर से देखें और क्वेश्चंस क्वेश्चन को भी गौर से पढ़ें और सॉल्यूशन को देखे बगैर खुद से भी सॉल्व करने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और इंटरेक्टिव सेशन में फिर हम इसको डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।